हेलो फ्रेंड्स, हानियास किचन में आपका स्वागत है। चिकन और कीमा के स्टफिंग के आइटम्स तो आप हर रमज़ान बनाते होंगे। आज की रेसिपी हाफ मून पाई में मैंने अंडे की स्टफिंग की है। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट एंड चीजी होता है। चलिए मज़ेदार सी डिश कैसे बनाते हैं सीख लेते हैं। मैंने 4 उबाले हुए अंडे लिए हैं। अंडे को बहुत ज़्यादा हार्ड बॉइल्ड मत करना। फोर्क की हेल्प से हम अंडे को अच्छे से मैश कर देंगे। इस रेसिपी की ये खास बात है, इसमें अंडे की बिल्कुल महक नहीं आती और स्टफिंग को पकाने का झंझट नहीं। बस सारे इंग्रेडिएंट्स को अंडे में डाल दें, स्टफिंग आपकी रेडी है। बाकी इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिया है 1 कटोरी भर के शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, छोटी कटोरी भर के बॉइल्ड कॉर्न। कॉर्न को मैंने मिक्सी में एक बार घुमा लिया है, आप चाहे तो अखा भी डाल सकते हैं। 1 कटोरी भर के मोजरेला चीज, वैसे तो आप कोई भी चीज ले सकते हैं। 5 टेबलस्पून भर के प्लेन मेयोनीज, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून काली मिरी पाउडर। अच्छे से मिला लेंगे। ये स्टफिंग को आप समोसे में भी भर सकते हैं। बस इसे हम डीप फ्रिज में स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि बॉइल्ड एग अगर आपको पता हो तो कुछ घंटे बाद पॉइजनस हो जाता है। स्टफिंग हमारी रेडी है, चलिए बाकी सामान हम रेडी कर लेते हैं। कोटिंग के लिए हम लेंगे 1 अंडा, जिसमें डालेंगे थोड़ा सा कलर, नमक, काली मिरी पाउडर, अच्छे से फेंट लेंगे। पाई को मस्त सा कलर देने के लिए यूज़ करती हूँ, आप स्किप भी कर सकते हैं। पाई को क्रिस्पी करने के लिए मैंने ब्रेड क्रम्स लिया है, आप चाहे तो कॉर्नफ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ग्लास की हेल्प से ब्रेड की कटिंग की है, आप कोई भी शेप देना चाहे दे सकते हैं। इस तरह सर्कल आप कट कर लें। अब इस राउंड ब्रेड को बेलन की हेल्प से फ्लैट कर लेंगे। देखिए इस तरह पतला होना चाहिए। इसकी ये खासियत है कि इसमें हम स्टफिंग ज़्यादा भर सकते हैं और आसानी से चिपक जाता है। ब्रेड के कॉर्नर्स पे पानी लगाएंगे, पानी से ही आराम से चिपक जाता है। बीच में 1 टेबलस्पून स्टफिंग रखेंगे और अच्छे से एजेस को चिपका देंगे। सेम प्रोसीजर हम सारे ब्रेड पीसेस में अप्लाई करेंगे। कोटिंग कर लेते हैं, पहले अंडे में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम से अच्छे से कोट करेंगे। 25 से 30 पीसेस आराम से बन जाएंगे। अब हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। तेल को मीडियम हॉट करें, ज़्यादा गर्म मत करना तेल को, नहीं तो ये पाई को तेल में डालते ही ब्रेड क्रम्स फौरन से ब्राउन हो जाता है। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, एक तरफ से लाइट गोल्डन हो जाए तो पलट दें। बहुत ही आसानी से ये रेसिपी बनती है और फ्राई भी बहुत जल्दी हो जाती है, तेल भी बहुत ज़्यादा सोक नहीं करता है। टिश्यू पे अब हम इसे निकाल लेंगे। मैंने इसे डिश आउट कर लिया है, आवाज़ आप सुन रहे हैं, मस्त क्रिस्पी हुआ है और अंदर से सॉफ्ट एंड चीजी। आप इसे गर्मा गर्म सॉस के साथ खाइए। कुछ डिफरेंट सी स्टफिंग है, ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।